Hey, hi everybody. I am CA Rachendra Mundada, faculty for CA Intermediate New Syllabus EIS LSM. दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए. CPT और फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसकी तैयारी कैसे करें जब आपको वन वीक बिफोर द एग्जाम की गाइडेंस को देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है CA नीरज महाजन सर. गुड मॉर्निंग सर. हेलो सर. फैकल्टी फॉर CPT एंड फाउंडेशन फ्रॉम पुणे, बेस्ट फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स. हमने इन्हें स्पेशली आपके लिए इन्वाइट किया है कि ये आपको गाइड करेंगे कि एग्ज़ाम से, जब आपके एग्ज़ाम में एक वीक ही बचा है तो उसमें मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें. सर, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सर. सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब एग्ज़ाम का लास्ट वीक होता है तो उसमें मैथमेटिक्स के लिए क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें या कॉन्सेप्ट्स में ध्यान दें. ओके, आप बताइए सर. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है. एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको बहुत तकलीफ होती है. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली माय फ्रेंड्स, अकाउंट्स और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ 50 मार्क्स आप 30-35 तो मिनिमम आप ला ही सकते हैं. इसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी जो आखिर के 7-8 दिन बचे हैं उसमें आपकी तैयारी अच्छी हुई हो. तो जो लास्ट 7-8 डेज है, सी टू इट कि आपका कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रहे, बिकॉज अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिकल सम्स बहुत सारे सॉल्व कर सके. तो सी टू इट कि आपके पास कुछ तो समरी नोट्स होनी चाहिए और जिसमें आप फटाफट से उसमें रिविजन कर पाए. यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर कि आप जब आपका CPT या फिर फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, बिटवीन सेशन 1 एंड सेशन 2 आपके पास बस 1.5 या 2 घंटा ही मिलता है टू रिवाइज. हाउ आर यू गोइंग टू रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इन दैट 1.5 आवर? दैट इज़ अ बिग I think challenge as well as that can be prove a success for you. So what I'll suggest is prepare a small formula book. Math, statistics ये पूरा dependent है concepts और formulas पे. अगर आपको formulas ठीक से याद है आपको पूरा mark मिलेगा. That is the confidence you should have. तो आप खुद के handwriting में एक छोटा सा formula book बना लीजिए, वो 1.5 घंटे में आपका पूरा 50 mark का maths और stats cover कर सकता है. मैंने एक लाइव सेशन लिया था और रिविजन ऑफ एंटायर स्टैटिस्टिक्स, वो यूट्यूब पे है. मेरे खुद के भी नोट्स, कंसाइज समरी नोट्स वो यूट्यूब चैनल पे है. रजिंद्र सर के चैनल के साथ वो मर्ज्ड है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं. एंड अगर आपको अच्छा स्कोर करना है CPT में आउट ऑफ 50 मार्क्स, सी टू इट कि आप मिनिमम 40 मार्क्स अटेम्प्ट कीजिए. टेक सम रिस्क, एक बेसिक कॉमन सेंस होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. आप अगर बस 20 सम सॉल्व करेंगे, 3 अनसॉल्व रखेंगे, तो आप बताइए मुझे आप कैसे स्कोर कर सकते हो 20 से ज़्यादा. तो सी टू इट कि आप मिनिमम 30, जो एवरेज स्टूडेंट है मैं उनके लिए बोलता हूँ कि आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कीजिए. आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो ऊपर जो बाकी मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, यू हैव टू मिनिमम अटेंड 40 मार्क्स, तब जाके आपकी 30-35 मार्क्स श्योरली आपको मिलेंगे. आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए मैथ्स के सब्जेक्ट का, इट इज़ एक्चुअली स्कोरिंग. जस्ट सी टू इट कि आप पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव एनी चैप्टर फॉर ऑप्शंस. भले वो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, फंक्शंस हो, भले वो टफ चैप्टर हो, ICA के इंटेंशन ऐसा होता है कि आपका सब सिलेबस कवर हो जाना चाहिए. तो कभी कभी बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं बट फ्रॉम टफ चैप्टर. और ये आपको थंब रूल रखना है, एट फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल यू लीव नथिंग फॉर ऑप्शन. सब आपको ठीक से करना है. एंड सी टू इट आपका मन शांत रहे, आप कूल रहे, काम रहे, एग्जाम्स में ज़्यादा टेंशन मत ले. आपका पेपर 4 बजे खत्म हो जाएगा. 4 बजे एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद पेपर के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है किसी भी फ्रेंड के साथ. आपका पेपर खत्म हो गया, जो आपको करना था वो हो चुका. डायरेक्टली नाउ वेट फॉर रिजल्ट, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स. व्हाट इज इन योर हैंड इज फ्रॉम दिस मोमेंट अप टू द एग्जामिनेशन. सी टू इट यू गिव योर होल एंड सोल, वॉट एवर इज अवेलेबल, वॉट एवर यू कैन डेडिकेट टूवर्ड्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई नो यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड. So don't worry at all and see you in intermediate. Thank you so much. Thank you sir for your valuable guidance. और हाँ दोस्तों, सर का अभी लास्ट वीक ही हुआ था इनका रिविजन लेक्चर लाइव ऑन YouTube. उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट, लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग. ऑल द बेस्ट.